हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीस ब्यूटी हैक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देन एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं होममेड फेस वॉश बहुत ही आसानी से। इसके लिए मेरा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है फेस वॉश बेस। आप चाहें तो कैस्टाइल लिक्विड सोप भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लोकल स्टोर में भी मिल सकते हैं, बट नॉट श्योर कि मिल पाएंगे या नहीं, पक्का नहीं कह सकते हैं कुछ। तो आप कुछ भी ले सकते हैं और ध्यान रखें कि आप हार्मफुल केमिकल वाला ना लें, इनमें भी हार्मफुल केमिकल आते हैं, हार्मफुल केमिकल फ्री वाला आप लें। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ रोज़ फेस वॉश। इसके लिए लिया है मैंने 2 छोटे चम्मच बेस और आधा छोटा चम्मच हम इसमें मिलाएंगे रोज़ पाउडर। रोज़ पाउडर के बहुत से बेनिफिट हैं, ये हमारी स्किन से ब्लेमिशेज हटाता है, एक्ने स्कार हटाता है और हमारी स्किन को क्लियर बनाता है। ये पाउडर मैंने घर पर ही बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया था, या आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने ये बोतल भर के ये पाउडर बनाया था। बस हमें इसमें मिलाना है अच्छे से। फिर हमें एक बोतल लेनी है और इसमें हमें 3/4 बोतल का पानी भर देना है और फिर जो मिक्सचर हमने बनाया है वो हम इस बोतल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा फेस वॉश तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। हम इसमें भी 2 छोटे चम्मच बेस डालेंगे, आधा चम्मच मतलब 1 छोटा चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालेंगे। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपके स्किन से डर्ट, एक्सेस ऑयल, डेड स्किन, ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्ने, पिंपल्स सबको दूर करती है। आप इसका फेस पैक भी डेली लगा सकते हैं, गर्मियों में आपकी स्किन क्लियर रहेगी। और आप चाहें तो कोई और फेस वॉश भी बना सकते हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं फेस वॉश बनाने के लिए होममेड। जैसे आप नीम के पाउडर से बना सकते हैं जो कि एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो खैर मैं बनाने भी वाली हूँ कुछ और इंग्रेडिएंट मिला के। और भी बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे राइस फ्लोर चावल का आटा से आप बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी पाउडर से बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं फेस वॉश बनाने के लिए। इसमें भी हमें सेम मेथड अप्लाई करना है। एक बोतल लेना है जिसमें हम रखने वाले हैं इसे, उसे 3/4 उस बोतल का पानी से भर देना है, फिर ये मिक्सचर ऐड कर देना है, अच्छे से शेक करें और आपका फेस वॉश तैयार हो जाएगा।
नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज पील फेस वॉश। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑरेंज पील पाउडर, वो भी आप घर पर बना सकते हैं, संतरे के छिलके सुखाकर या मार्केट से ले सकते हैं। इसमें भी हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, बेस डालना है और ऑरेंज पाउडर डालना है छोटा चम्मच, फिर हमें पानी में से मिक्स कर देना है। ये हमारी स्किन को ब्राइट क्लियर बनाता है और एक्ने के लिए भी अच्छा होता है और ऑयली स्किन के लिए भी ये पाउडर अच्छा रहता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 फेस वॉश बताए। आप और कोई फेस वॉश जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पर यहाँ पर मैंने सिंपल बताए थे, सिर्फ बेस में एक इंग्रेडिएंट ऐड किया। अगर आप कुछ मल्टीपल इंग्रेडिएंट मिलवा के बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नीम वाला मैं कुछ ही दिनों में बनाने वाली हूँ। मैंने नीम के पत्ते सूखने के लिए रखे हुए हैं, अभी जैसे ही वो ड्राई हो जाएंगे मैं नीम फेस वॉश बनाऊँगी जो कि एक्ने के लिए बेस्ट रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।